विधायक जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हमें भीख दे दो। करोटा विधायक को अवैध खनन का पैसा कम पड़ गया। पत्रकारों के सहयोग से जनता के सामने पहुंचे हैं, जनता से पैसा जुटा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कटोरा यात्रा निकाल रहे हैं, आम जनता के सामने सड़कों पर उतरे हैं और 250 करोड़ के लिए भीख मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि करोटा विधायक भीख नहीं मांग पा रहे हैं तो उनके लिए भीख हम मांग रहे हैं। ये पीड़ित पत्रकार हैं। अच्छा, जब हमला हुआ था तो आप लोगों को पीटा गया था? हाँ, हम लोगों को गाड़ी तोड़ी गई थी, हमें पीटा गया था, इसके बाद जान संभालने की धमकी भी दी गई थी। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज तंत्र। जैसे कि आप सबको पता है कि खनन की खबरें छापने पर गरोटा विधायक ने 250 करोड़ के पत्रकारों को नोटिस भेजे हैं। तमाम पत्रकार साथी पैदल मार्च निकाल रहे हैं और सिंबॉलिक तरीके से भीख मांग रहे हैं कि हमें भाजपा गरोटा विधायक को वो रुपये देने हैं, 250 करोड़ की जो वैल्यू है। हम इनसे चर्चा करेंगे पूरी कहानी है क्या और ये क्यों इतना पर्सनली इन्होंने लड़ाई ले ली। जी पुष्पेंद्र जी, बताएं पूरा मामला क्या है। पूरा मामला जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग आज प्रदर्शन करेंगे गरोटा विधायक के खिलाफ, जिन्होंने पत्रकारों से 250 करोड़ रुपए मांगे हैं। अवैध खनन के पैसे उन्हें कम पड़ गए हैं, इसलिए अब पत्रकारों से पैसे मांग रहे हैं। तो पत्रकारों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम 250 करोड़ जवाहर राजपूत को दे दें, अपनी किडनी भी बेच दें, गुर्दे भी बेच दें और पूरे पत्रकार सब बेच दें, लेकिन फिर भी 250 करोड़ नहीं होंगे। इसीलिए हमने आम जनता की हम आवाज़ उठाते हैं तो आम जनता के सामने सड़कों पर उतरे हैं और 250 करोड़ के लिए भीख मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि गरोटा विधायक भीख नहीं मांग पा रहे हैं तो उनके लिए भीख हम मांग रहे हैं, उनके लिए हम भीख मांग के इकट्ठा करेंगे और देने का प्रयास करेंगे। जी, जैसे कि आपने सुना है कि पुष्पेंद्र जी ने कहा है कि गरोटा विधायक के लिए भीख मांगी जा रही है और आप उन कैमरा आप सबको देख रहे हैं कि झांसी के जो तमाम पत्रकार हैं, यूं कहें कि अधिकतर पूरे पत्रकार हैं जो कि अपना संघर्ष कर रहे हैं। और हालांकि ये बेतुकी बात हो जाती है, बच्चों की तरह लड़ाई हो जाती है कि जब आप खनन की खबरें चलाते हैं और खबरें चलाने के बाद आपको मानहानि के नोटिस भेजे जाते हैं। और फिलहाल आप देखिए पूरा मार्च किस तरीके से लाइट से शुरू हुआ था और अभी हम लोग मानेक चौक की ओर बढ़ रहे हैं। ढाई सौ करोड़ की मानहानि के लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाता है, एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि विधायक जी के पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे हुई और इतना उनकी मान की हानि का इतना बड़ा हानि, इतनी बड़ी हानि कैसे हो गई। दूसरे पत्रकार जिनको नोटिस मिला है आशुतोष नायक भी है, इनसे हम जी विधायक जी ने कैसे सिद्ध कर दिया कि 250 करोड़ की उनकी मानहानि हो गई। ये तो वो जाने कि उन्होंने कैसे सिद्ध कर दिया, लेकिन आज हम लोगों ने झांसी के एक एक कोने से पत्रकारों के सहयोग से जनता के सामने पहुंचे हैं, जनता से पैसा जुटा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कटोरा यात्रा निकाल रहे हैं और भविष्य में यदि ये होश में नहीं आते हैं तो पूरे बुंदेलखंड से पत्रकार निकलेंगे, गरोठा विधानसभा के एक एक गांव में जाएंगे, कटोरा यात्रा निकालेंगे और सरकार और संगठन तक ये बात पहुंचाएंगे कि गरोठा विधानसभा में किस प्रकार की लूट मची है, चाहे खनन का मामला हो उसमें इन्हें हिस्सेदारी चाहिए, चाहे जिला पंचायत का मामला हो उनके बैरियर से भी हिस्सा चाहिए, हर जगह लूट मचा रखी है। गरोठा विधानसभा उत्तर प्रदेश की इकलौती ऐसी विधानसभा बन गई है जहां केवल और केवल लूट चल रही है, केवल और केवल लूट चल रही है। पत्रकार बंदूकों की बटों से पीटे जा रहे हैं, FIR लिखी जा रही है विधायक के तथाकथित लोगों पे, इसके बाद राजीनामा का दबाव बनाया जाता है और अब पत्रकार जब खबर चलाते हैं तो उन पे मानहानि का नोटिस भेजा जा रहा है उनके लिए। आखिर ये कहाँ तक ठीक है? अंततः पत्रकार साथी चाहते क्या है? पत्रकार साथी चाहते हैं
गरोठा विधायक यदि सच हैं, यदि दूध के धोले हैं, तो जिस बालू घाट पे 10-10 पनडुब्बी चल रही थी, वीडियो आई थी, उसके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की? ये सब जगह शिकायत करते हैं, लेकिन उस घाट की शिकायत क्यों नहीं की? यदि उस घाट पे बंदूक की बटों से पत्रकार पीटे गए हैं, तो फिर इन्होंने उसके लिए क्या किया? क्यों एक्शन नहीं लिया? कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता उजागर हुई है और इसी वजह से ये पीड़ित पत्रकार हैं। अच्छा, जब हमला हुआ था तो आप लोगों को पीटा गया था? हाँ, हम लोगों को गाड़ी तोड़ी गई थी, हमें पीटा गया था। इसके बाद जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, अगर थाने में कोई मुकदमा करते हैं। जवाहर तेरे राज में, जवाहर तेरे राज में, द न्यूज़ तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेवाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज़ तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।